वैराग्य छोड़ बाहों की विभा संभालो, वैराग्य छोड़ बाहों की विभा संभालो, चट्टानों की छाती से दूध निकालो, रुके जहां भी धार शिलाएं तोड़ो, पीयूष चंद्रमा को पकड़ निचोड़ो। ऐसा ही आप सब लोग उपस्थित हैं, ऐसा ही सब कहने का शायद अर्थ था श्रीनिवास जी का। मैं सोच रहा था राष्ट्रीय कला मंच, कला से मेरा अभिप्राय क्या है, कला है लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, आपकी चेतना का स्तर क्या है। जहां तक उत्कल प्रदेश का संबंध है, ये उत्कृष्ट कलाओं का प्रदेश है, और सबसे जो उत्कृष्ट कला किसी में थी तो वो सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड लॉर्ड कृष्णा में थी, या प्रभु जगन्नाथ जो उनका दिल है धड़कता है उसमें है। तो यहां जो उत्कृष्ट कला का ये प्रदेश है, उसमें विद्या विनय संपने ब्राह्मणे गवि हस्तिनी शुनी च श्व पाके पंडिता सम दर्शना, यहां वाच्य अवाच्य पवित्र अपवित्र शलील अश्लील चातुर वर्ण की कोई गंध नहीं है, वृद्ध बाल राजा रंक प्रजा पुरुष स्त्री सभी पागल दीवाने आत्म विभोर, ऐसा प्रदेश उड़ीसा प्रदेश है। ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ, ମାନେ ଆମ ଜେନେରେସନ୍ର ପିଲାମାନଙ୍କ ଭିତରେ କମ୍ପିଟିସନ୍ ହେଉଛି, ଏବଂ କଳାର ବିକାଶ ହେଲେ ଦେଶର ବିକାଶ ହେବ, ଏବଂ ଆମେ ଯେହେତୁ କଳାପ୍ରେମୀ କଳାର ପୂଜାରୀ, ତେଣୁ ଚାହିଁବୁ ଯେ ଏମିତି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ହେଉ। ଏବଂ ଲାଷ୍ଟ 3-4 ବର୍ଷ ଧରି ମୁଁ ସଂଶ୍ଲିଷ୍ଟ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆସିଛି। କିନ୍ତୁ ମୋର ଟିମ୍, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ମାନେ ବାରିପଦାରେ ପଢ଼େ, ତ ଆମ କଲେଜର ଟିମ୍, ଆମ ଟିମ୍ ଆସିଛନ୍ତି ବହୁତ ଥର ଏଠି କମ୍ପିଟିସନ୍ରେ ଭାଗ ନେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରାଇଜ୍ ମଧ୍ୟ ନେଇଛନ୍ତି, ତେଣୁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଏବଂ ଆଶା କରୁଛି ଏମିତି ଏ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ଟି, ପ୍ରତିଭା ସଂଗମଟି ଆହୁରି ଆଗକୁ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଯାଉ। ଅଖିଲ ଭାରତୀୟ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ପରିଷଦ କେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ କଲା ମଞ୍ଚ କେ ଆୟାମ କେ ମାଧ୍ୟମ ସେ 2006 ସେ ପ୍ରତିଭା ସଂଗମ ସମାରୋହ का आयोजन हो रहा है। कोरोना के बाद इतनी बड़ी संख्या में आज इस राष्ट्रीय कला मंच के कार्यक्रम में 500 से अधिक प्रतिभागी आए। राष्ट्रीय कला मंच का उद्देश्य है कि उड़ीसा प्रांत के और देश भर के ऐसे नवोदय कलाकार जिनके पास मंच नहीं मिलता है, ऐसे ग्रामीण क्षेत्र से नए नए प्रतिभावान छात्रों को, कलाकारों को हम आमंत्रित करते हैं और उसके बाद उनको एक बहुत बड़ा मंच यहाँ देने का प्रयास करते हैं। 17 से लेकर 19 दिसंबर तक यहाँ ये जो राष्ट्रीय कला मंच का प्रतिभा संगम समारोह हुआ, इसमें कई प्रकार की प्रतिभाओं का प्रदर्शन हुआ और आज इसका समापन महामहिम राज्यपाल महोदय के सानिध्य में हुआ। इसमें उड़ीसा प्रांत की कई सारी सामाजिक समस्याओं को नाटक के माध्यम से, एकांकी के माध्यम से, चित्रांकन के माध्यम से यहाँ पर लाया गया और आने वाले दिनों में उड़ीसा के युवा कैसे उसका समाधान कर सकते हैं, इस पर भी विचार विमर्श हुआ। इसलिए मैं मानता हूं कि राष्ट्रीय कला मंच छात्रों के द्वारा, छात्रों के लिए और एक ऐसा मंच है जो प्रतिभाओं को यहां स्थान देता है। बहुत प्रकार के अलग अलग सिने जगत से जुड़े हुए लोग भी यहां पर आए, फिल्म इंडस्ट्री के लोग भी आए, प्रोड्यूसर भी आए, और उनके आने का मकसद यही है कि जो यहाँ अच्छे टैलेंट है उस टैलेंट को हम सर्च कर रहे हैं और ऐसे लोगों को आगे करियर में भी बहुत बड़ा स्थान मिलेगा। तो इसलिए राष्ट्रीय कला मंच का एक प्रयास है कि ऐसे कलाकारों को मंच देना, उनको उनके जीवन में आगे वो बढ़े, इसलिए एक बहुत ही सार्थक और सफल कार्यक्रम ये प्रतिभा संगम हुआ है। मैं सभी प्रतिभागियों को हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ और सबसे अच्छी बात है बहुत बड़ी मात्रा में छात्राओं का सहभाग हुआ, जनजाति क्षेत्र के विद्यार्थियों का सहभाग यहाँ पर हुआ और 3 दिन पूरा एक ऐसा कला का संगम यहाँ पर हुआ। इसके लिए मैं फिर से आयोजकों को और सभी प्रतिभागियों को अपनी शुभकामनाएं देता हूँ।